तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबुआ आवास योजना झारखंड। दोस्तों अगर आप भी झारखंड के नागरिक हैं और अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किन लोगों को मिलेगा और कैसा दोस्तों आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, किन किन तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऊपर प्रेस कर लीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों योजना से जुड़ी रही योजनाओं के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो झारखंड का नागरिक है, ठीक है, जो गरीब व्यक्ति है उसी को यहाँ पर 3 कमरों वाला पक्का मकान जो है दिया जाएगा, यानी कि उसका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना यह झारखंड की योजना है, इसमें दोस्तों यहाँ पर जो झारखंड के नागरिक हैं वही इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो ये 15 अगस्त 2023 को झारखंड सरकार द्वारा दी गई थी उस योजना का नाम, ठीक है। इसमें दोस्तों 2 लाख रुपये की लागत वाला 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए, यानी कि 2 लाख रुपए में आपको 3 पक्के मकान बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अबुआ आवास योजना 2024 में अप्लाई करने से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जानकारी नीचे दी गई है, ठीक है। तो उस यहाँ पर आपको देखना है तो उसके बाद उस नीचे आएंगे। अब यहाँ पर मध्य से झारखंड राज्य के बेघर लोगों को, जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, ठीक है, जिनके लोगों के पास जो है पक्का मकान नहीं है, उनके लिए दोस्तों योजना निकाली गई। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है, ठीक है। ये कमरों के इस मकान की आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि किचन टॉयलेट ये भी इसके अंदर आपकी होंगी, ठीक है, इसी इतने रुपए के अंदर, ठीक है। और मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और राशि 5 किस्तों में प्रदान की जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो आपको पैसा मिलेगा वो 5 किस्तों में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया है और ये राशि आपको सीधे बैंक खाते में, लाभार्थी के खाते में जाएगा। उसके बाद दोस्तों योजना के तहत आगामी 3 सालों में कुल 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बता देते हैं। तो आवेदक जो है वो झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार में कुल वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 3 लाख से आपके घर में ज़्यादा आय है तो दोस्तों आपको ये योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके साथ लाभार्थी का कच्चा मकान हो या फिर उसका घर ही ना हो, ठीक है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपके परिवार में कोई भी आपदा व शिकार पारिवारिक कानूनी तौर से रिहा किया गया बंधुआ मजदूर ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आवेदक ने अपने पीएम आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, इंदिरा आवास योजना या बिरसा आवास योजना का लाभ ना लिया, यानी कि पहला से दोस्तों कोई भी अगर आपने योजना का आवास योजना का लाभ ना लिया हो तभी आपको मिलेगा। अगर आपने पहले से आवास योजना का लाभ लिया है तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फोटो, बैंक खाता विवरण। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपका जो बैंक खाता है वो आधार से सीडिंग नहीं है तो उसको सीडिंग करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको करा लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दोस्तों आप जो है भर सकते हैं। ऑफलाइन दोस्तों यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत में प्रधान के वहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर जो है यहाँ पर अब आपको ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, जिसमें अब इस योजना का एक PDF खुल जाएगा जिससे यह डाउनलोड करके मांगी गई सभी जानकारी उसमें भरना होगा, ठीक है। और अब इस सभी दस्तावेज को अटैच करके अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन वाला। तो यहाँ पर आपको जो है तो दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से खुलकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जन्मतिथि देना है और आवेदक का जो अनुक्रमांक यानी कि यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो जिला और उसके बाद प्रखंड और गांव पंचायत और लाभुक का नाम जिसका नाम है वो यहाँ पर देना है, उसके पति पिता जो भी है वो नाम देना है। उसके बाद उसको महिला है या पुरुष वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जन्मतिथि डालना है, जाप कार्ड का नंबर डालना है, खाता संख्या डालना है, बैंक का नाम डालना है, इधर उम्र लिखनी है और इधर आधार कार्ड, IFSC कोड और भावुक का यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है।
जो भी लाभार्थी है उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। अब उसके बाद उसको आपके परिवार में जो भी मुखिया है पहले मुखिया का नाम देना है, उसके बाद उसको पति पिता जो भी है वो रिलेशन बताना है, माता पिता जो भी उसका है वो बताना है, उसके बाद जन्मतिथि और आवेदक के संबंध क्या है वो बताना है, और यहाँ पर जितने आपके परिवार में हैं बच्चे भी वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद उसको यहाँ पर आवासहीन है या नहीं तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको सही टिक करना है, और अगर आप हैं तो दोस्तों हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं, आप पक्का आवास है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। उसके साथ दोस्तों प्लाट संख्या आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है अगर आपके पास है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भूमि अवग्रत यहाँ पर ये आपको बता देना है, और उसके बाद नीचे आपको आना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का अंगूठा यहाँ पर लगाना है और हस्ताक्षर करना है, और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप हुआ आवास योजना ये यहाँ पर आपको दिखना है। उसके बाद तिथि डाल लेना है आपको, आवेदक का नाम दे देना है, प्रखंड और गांव और पंचायत और लाभार्थी का नाम और पति जो इसका पिता है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसको आपको जनरल SC ST और ये यहाँ पर आपको OBC और ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप OBC से हैं या फिर ST SC से, ठीक है। तो इतना फॉर्म आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिल कर लेने के बाद उसको आप अपने ग्राम पंचायत में जो कार्यालय है वहाँ पर आप इसको जमा कर देंगे, तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना है एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर